हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं और इन त्यौहारों में हम लोग सब घर पे ही है और घर को सजाना किसको नहीं अच्छा लगता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप घर पे रह के ही बहुत आसानी से घर को सजा सकते हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ DIY कैंडल होल्डर्स, और ये कैंडल होल्डर्स मैंने घर पे ही बहुत आसानी से बनाया है वेस्ट मटेरियल से। बहुत इजी है ये DIY कैंडल बनाना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट DIY कैंडल होल्डर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पुराना जेम का बोतल, फैब्रिक कलर, मास्किंग टेप, ब्रश, कुछ बिंदिया और एक कैंची। पहले बोतल के ऊपर मैंने टेप को चिपका लिया है। इसको मैंने 4 बार चिपकाया है और इक्वल डिस्टेंस में मैंने इसको स्लैंटिंग लाइन के हिसाब से प्लेसमेंट किया है, और बीच में जो गैप आया है वहाँ पर मैंने 3 बिंदिया इक्वल डिस्टेंस में लगाया है। अभी ये बिंदी के ऊपर जो 4 गैप है वहाँ पर मैंने 4 कलर लगाया है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पर लगा सकते हो। हाफ एन आवर के बाद ये कलर सूख जाता है और तभी मैं ये स्टिकर निकाल रही हूँ और बिंदियों को भी निकाल रही हूँ। और थोड़ा बहुत कलर जो निकल रहा है उसको मैं कैंची के नोक से साफ कर रही हूँ। और ऊपर जो खाली एरिया है वहाँ पर मैं ब्लैक कलर डाल रही हूँ और बॉटम एरिया पे भी मैं ब्लैक कलर डाल रही हूँ। और ये कैंडल होल्डर रेडी हो गया है। सेकेंड DIY कैंडल होल्डर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक जेम का बोतल का ढक्कन और कुछ ड्राई पम्पकिन सीड्स और फैब्रिक कलर। जो पहले DIY में मैंने यूज़ किया था वही बोतल का लीड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने ब्लैक कलर कर लिया है और जो ड्राई पम्पकिन सीड्स है उसको येलो फैब्रिक कलर कर रही हूँ। कलर ड्राई होने के बाद मैं पम्पकिन सीड्स को यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। सीड्स को ऐसे पेस्ट करना है ताकि ये एक पेटल जैसा दिखे, तो इसका कोन आगे रख के पेस्ट करना है, तो ये एक बहुत सुंदर सा सनफ्लावर का लुक देगा। सीड्स को मैंने 2 लेयर पे चिपकाया है और बीच में कैंडल रखा है, तो ये एक बहुत सुंदर सा सनफ्लावर कैंडल होल्डर बन गया है। थर्ड DIY कैंडल होल्डर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पुराना CD, एक सिल्वर पेपर और 1 दर्जन बैंगल्स। सिल्वर पेपर को ऐसे कट लगा के मैंने CD के साथ चिपका लिया है और पीछे का जो खुला पोर्शन है उसके ऊपर भी मैं एक सिल्वर पेपर पेस्ट कर रही हूँ। अभी ये CD के ऊपर बैंगल्स को एक एक करके मैं फेविकल से पेस्ट कर रही हूँ।
साइड में जो थोड़ा ओपन एरिया है उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर चिपकाया है मिरर्स और थोड़ा सा प्लास्टिक के लीव्स। और ये बहुत सुंदर सा कैंडल होल्डर रेडी हो गया है पुराने सीडी और बैंगल से। फोर्थ DIY कैंडल होल्डर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक स्मॉल साइज जैम का बोतल, मास्किंग टेप, ग्लू और ग्लिटर्स। मास्किंग टेप को मैंने बोतल के ऊपर दो लाइन चिपका लिया है, बीच में जो गैप है वहाँ पर मैंने ग्लू लगाया है और अभी यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्लिटर्स को स्टिक करना है। ग्लिटर्स ड्राई होने के बाद ही मैं मास्किंग टेप यहाँ से निकाल रही हूँ और ये एक बहुत सुंदर सा ग्लिटर्स वाला कैंडल होल्डर रेडी हो गया है। फिफ्थ DIY कैंडल होल्डर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कांच का ग्लास, फैब्रिक कलर और ब्रश। कांच के ग्लास के ऊपर कुछ शेप बनाया हुआ है और वही शेप के ऊपर मैं फैब्रिक कलर भी डाल रही हूँ तो ये कलर उठ के आएगा ये शेप में। और व्हाइट फैब्रिक कलर से मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर शेप बना रही हूँ ईयरबड से। ग्लास के ऊपर के पोर्शन पर भी मैंने ईयरबड से ही व्हाइट एक एक स्पॉट डाल दिया है और बीच में थोड़ा खाली जगह था तो यहाँ पर मैंने एक व्हाइट रिबन स्टिक कर रही हूँ हॉट ग्लू से। और ये एक ग्लास का बहुत सुंदर सा DIY कैंडल होल्डर रेडी हो गया है और इसका नाइट व्यू ऐसा दिखेगा। अगर आपको ये DIY कैंडल होल्डर्स आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए तो मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।